बड़ा साइबर अटैक हुआ है, 2 दिन बाद भी नहीं सही हो पाया है कोई भी सिस्टम। सरकारी साइट्स में साइबर हमले की जांच अभी भी जारी है। 65% वेबसाइट की स्कैनिंग करने का दावा किया जा रहा है। खामी दूरी करने में 2 दिन और लगने की संभावना सामने आ रही है। सीएम हेल्पलाइन समेत कई वेबसाइट अभी भी बंद है। बता दें कि स्टेट डाटा सेंटर भी साइबर अटैक की चपेट में आ गया है। सिक्योर इंटरनेट सर्विस भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। साइबर हमले से सरकारी कामकाज भी बाधित हो गया है। तो सिक्योर इंटरनेट सर्विस भी पूरी तरीके से प्रभावित है। साइबर हमले से सरकारी कामकाज बाधित है। भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसी साइट पर भी प्रभाव है। आरटीयू जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर साइबर हमला हुआ है। समस्त एप्लीकेशन जिन जिन डिपार्टमेंट्स की चलती हैं, उन समस्त एप्लीकेशन को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते रहते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशन रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डॉर्मेंट मोड में हो और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले, मतलब परसों पता चला, और हमने फिर तुरंत जैसे ही हमारे कुछ सिस्टम्स में, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर के टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने, हमारे पास लगभग 700 VMs बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहाँ पर अभी 2 दिन का समय लगभग और लग सकता है क्योंकि सिक्योर इंटरनेट सर्विस भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में अचानक हुए साइबर अटैक से राज्य का आईटी सिस्टम पूरी तरीके से लड़खड़ा चुका है। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। धनराज, इस तरीके से अचानक से साइबर अटैक होता है और राज्य का पूरा आईटी सिस्टम प्रभावित हो गया है, सरकारी साइट जो भी है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, क्या अभी ताजा अपडेट है, अभी कितना समय और लगेगा ठीक होने में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल अचानक से एक साइबर अटैक उत्तराखंड के अंदर होता हुआ नजर आया कि जो सरकारी साइटें थी सभी बंद होती हुई नजर आई, क्योंकि सरकारी कामकाज भी ठप हुआ, और जिसके साथ आप देखिएगा कि जो सरकारी रजिस्ट्रियां होती हैं या फिर कहा जाए कि जो सीएम हेल्पलाइन है या फिर सरकारी जो भी कामकाज था वो बिल्कुल ठप नजर आया। और अभी भी देखिएगा कि जो साइबर अटैक हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, इसकी जाँच की जा रही है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इसकी जाँच में जुटी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो डाटा श्योर करने की पूरी प्रक्रिया है उसमें लगभग 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिएगा कि जिस तरह का साइबर अटैक ये उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है, इससे कहीं ना कहीं जो सरकारी कामकाज है वो ठप हुए हैं और राज्य भर के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो भी ठप हुए हैं, क्योंकि सचिवालय सहित आप देखिएगा कि परिवहन विभाग और अन्य कई विभागों की जो साइटें हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अटैक उन पर हुआ है कि वो बंद हो गई, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो कामकाज था वो ठप हुआ है। लेकिन अभी देखा जाए तो जो पूरी जांच है वो पुलिस प्रशासन करने में जुटा है, साइबर पुलिस उसकी जांच कर रही है और उसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को भी इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है कि आखिर किस कारण से साइबर अटैक हुआ है, और इसकी जाँच होने के बाद जो भी निकल कर सामने आएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भूमि रजिस्ट्री, ई ऑफिस जैसी साइट पर सीधा तौर पर इसका प्रभाव पड़ा है, कुछ लापरवाही भी यहाँ पर बरती गई थी या फिर जो साइबर अधिकारी उनकी तरफ से और क्या जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें लापरवाही की कोई बात नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से साइबर अटैक हुआ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का डाटा चोरी करने की कोशिश जरूर की गई होगी, क्योंकि उत्तराखंड के सरकारी जो साइटें हैं उन पर काफी डाटा है और हो सकता है कि कोई साइबर क्राइम उत्तराखंड के अंदर घटने वाला हो, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस पर एजेंसी जांच कर रही है, तमाम बिंदुओं पर एजेंसी जांच कर रही है कि आखिर किस कारण से साइबर अटैक किया गया और क्या इसके पीछे किसकी क्या मंशा है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। यदि इसके पीछे कोई मंशा निकल कर सामने आती है तो लाजमी है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन अभी देखिएगा कि जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आया और जिसके कारण कहीं ना कहीं आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे